सीतापुर के अटरिया थाना इलाके के सतनापुर गांव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आई इंडिया पर। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को पेड़ से बांध कर रखा गया हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस कर्मी मौजूद हैं मौके पर, वो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और युवक पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं सिधौली के संवाददाता राजेश यादव के पास। राजेश, ये बताइए कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है युवक को पेड़ से बांधे जाने का, क्या मामला है पूरा, और पुलिस कर्मी भी वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, कल अटरिया थाना क्षेत्र के जो शेवरा गांव निवासी उर्मिला पत्नी बिमलेश अटरिया पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देते हुए शाम को बताया था कि वो अपने मायके सतनापुर में मजरा गाजीपुर में थी। वो अपने घर से के पास ही खेत में बने हुए एक मकान में, जिसको गांव में हाता के नाम से जानते हैं, हाते में अपने पिताजी को खाना देने गई थी। इसी दौरान जो राजकुमार पुत्र मोहनलाल, जो निवासी महमूदपुर और मजरा शेवरा थाना अटरिया के, उसके मायके गए हैं और उसकी बाउंड्री वाल लांग करके हाथ में बाका लेकर के उसकी तरफ लपके हैं। जब वो बचाव के लिए चिल्लाई तो उसके पिता बाहर आ गए और इसी दौरान गांव के लोग भी जो है उसको बचाने के लिए दौड़े हैं, तो उसको लेकर के राजकुमार जो है उसके घर से भागा है और भागने के बाद वो खेतों में निकल गया। और जब गांव वाले जो लोग थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो किसान लोग थे उसका जो है राजकुमार का पीछा किया, तब ये जो है कटीले तारों में फांद करके एक खेत में फंस गया है और उसी खेत में एक दर्जन से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद गांव के बाहर एक आम का पेड़ लगा था, उस पेड़ में इसको बांध दिया और उसके बाद स्थानीय पुलिस, जो अटरिया थाने की पुलिस थी, उसको फोन किया तो मौके पर स्थानीय पुलिस जब पहुंची है तो इस युवक को जो है ला करके थाने लेकर गई है, जहां पे पूछताछ किया है। तो कुल मिला करके ये अटरिया थाना क्षेत्र के क्षेत्र का मामला है और इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो प्रेम प्रसंग का भी मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये युवक प्रेम प्रसंग के चलते युवती से मिलने के लिए गया था। जब लोगों को जानकारी हो गई है पूरे घटना की तो वहां पे फिर इसको जो है रंजिश और मारपीट का मामला दिखा करके तहरीर थाने में दी है, जिसके चलते अटरिया पुलिस ने इसमें आईपीसी की धारा 505, 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और युवक को भी हिरासत में लेकर के जेल भेजने की कार्रवाई की है। बिल्कुल, जो युवक है आप देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर एक पेड़ से बांध कर रखा गया हुआ है और वहीं पर कुछ पुलिसकर्मी उसकी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी गांव में एक युवक के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया है, इसके पीछे का कारण असल क्या है, ये मामला निकल करके अभी तक सामने नहीं आया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि रंजिश के चलते ये युवक दूसरे गांव में पहुंचा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग का भी मामला निकल करके आ रहा है। लेकिन काफी समय बीत गया, अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है, ये बड़ी बात है। इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और इसको लेकर लोग एक दूसरे के जो गांव हैं वहां भी आक्रोश पनप रहा है कि दूसरे गांव का ये युवक जो अक्सर इस गांव में देखा जाता था, यहां कैसे पहुंचा, किस लिए पहुंचा था। और यही कारण है कि आक्रोशित होकर गांव वालों ने उसे पेड़ से बांध कर रख दिया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गांव वालों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया, उसकी पिटाई भी किए जाने की बात सामने आ रही है। अब पुलिस इस मामले में धारा 505 और 504 के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। जो अटरिया के इंस्पेक्टर हैं मुकेश वर्मा, उनके मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह मामला अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से अभी तक पुख्ता तौर पर ये नहीं जानकारी दी जा रही है कि इसमें आखिर हुआ क्या था, क्यों
गांव वालों ने इसे पेड़ से बांध दिया था, ये बात निकल करके नहीं आ रही है। पुलिस की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे उस वीडियो को जो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, कि किस तरीके से युवक को पेड़ से बांध कर रखा गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले खुद मोबाइल से उसे कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ है, गांव वालों की भीड़ है, इस युवक की पिटाई किए जाने की भी बात सामने आ रही है। असल कारण क्या है ये निकल करके पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, और इसको लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं फिलहाल व्याप्त हैं। राजेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। जी जी, यहाँ क्या करना है सर? पहले आया रहने इधर टहलने आए थे, तो वहाँ से यहाँ टहलने क्या रहे हैं? इतनी दूर कम से कम 10 किलोमीटर है यहाँ से। अरे तो घर पर गए हो तो टहले सर, पुरानी रंजिश है, पहले कर चुका है। कहाँ से? हमारे गाँव में। इसी गाँव में? तो तुम्हारे परिवार में भी है क्या? हाँ, भाभी लगती है। परिवार में क्या कुछ मराव नहीं होता है, परिवार चलता है। किसी परिवार में ब्याह है? हाँ। क्यों परिवार में ही ब्याह हो? अरे हाँ, परिवार में तो है, तो वहाँ भी कोई बात बात है। रंजू रंजू से क्या ये पिछले एक साल पहले छेड़खानी कर चुका है, फोन चुके कंप्लेंट भी किया था इन लोगों ने, कंप्लेंट भी किया था। वहाँ भी ससुराल भी जा रहे थे, झूठ बोल रहा, कितना झूठ बोल रहा। यहाँ करने क्या आए थे बताओ, क्या करने आए थे यहाँ? इनके लिए लाठी तैयार रखी रहा है, मार दिन फटाक से आए खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।